समय के साथ बदलाव की अगर समय की मांग है तो ये समय की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है स्पीड पोस्ट। डाकिया डाक लाया अक्सर हमने ये सुना है, लेकिन अब पोस्ट ऑफिस लोगों के घरों तक आम भी पहुंचा रही है। कैसे, देखिए हमारे संवाददाता कौशिक जोशी की खास रिपोर्ट। गुजरात के वलसाड जिले के आम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अगर आपको लॉकडाउन के दरमियान ये आम खाने हैं तो आप कैसे खाएंगे? ये प्रश्न का हल डाक विभागों ने लोगों के लिए पूरा कर दिया है। वलसाड डाक विभाग द्वारा एक अनोखी पहल की जा रही है, जिसमें डाक के कर्मचारी हम सबके लिए किसान से लेकर आप तक सीधा घर तक आम पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्होंने उठाई है। वलसाड डाक विभाग द्वारा किए गए ये अनोखे प्रयोग से किसानों को भी अच्छे दाम मिलेंगे और लॉकडाउन के दरमियान सभी व्यक्ति आम का लुत्फ भी उठा सकते हैं। आमा सोचे क्या हुए पोस्ट जो मोकलतू हुए तो हमें टेंशन फ्री आमा थी जाए थोड़ा खर्चो वधे पण निरंत आमा थी सुवाई मीन थिंग्स के सेफली पहुंची जाए हमारो माल एम जगह। मारा हिसाबे घणो बेनिफिट छे कारण के अत्यारना हिसाबे ट्रांसपोर्ट जे नाना नाना टेम्पा वाला छे તે લોકો સુરત બરોડા બધું જે રેડ ઝોનમાં ગણાય છે ત્યાં જવામાં બહુ ગભરાટ થાય, અમારી પાસે ભાડું વધારે માંગે ને અમનેઓ ટેન્શન રહે કારણ કે હવે આ એક લોટ મેં અત્યારે મોકલ્યો છે લગભગ 1,00,000 રૂપિયાની આજુબાજુનો માલ થાય તો અમને જ્યાં સુધી પાર્ટીને પહોંચે નહીં ત્યાં સુધી માથા પર અમને ટેન્શન રહે કે ભાઈ પહોંચશે કે શું થશે એમ। પહોંચી જાય પછી અમને શાંતિ। હવે આ અત્યારે આ મેં હોઈફું છે હેન્ડ ઓવર કર્યું છે પોસ્ટ ઓફિસને તો મને નિરાંતે ઊંઘ આવી જશે ઘરે। લોકડાઉન કે દરમિયાન એક તરફ ટ્રાન્સપોર્ટ પર રેટ ભી કાફી બઢ ગઈ હે ઓર દૂસરી ઓર ઇસ મહામારી કે બાદ ઇતને સારે આમ કો કેસે લોગો કે પાસ પહોંચાના યહ ભી એક બડા સવાલ થા, લેકિન ડાક વિભાગ ને ગુજરાત કે લોગો કે લિયે યે પ્રશ્ન કો હલ કર દિયા હે। ફાર્મર્સ કો યે સર્વિસ પ્રોવાઇડ કર રહે હે। अब इससे इनको फ़ायदा यह है कि अभी जो परिस्थिति है वो सामान्य नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग की बहुत सारी परेशानियां फार्मर्स और व्यापारी जो भी है वो फेस कर रहे हैं और हमारे जरिए इंडिया पोस्ट ये चाहता है कि जो भी ये अभी आमों का सीज़न आया है तो इसकी मिठास बरकरार रहे, पूरे गुजरात के लोग इसकी मिठास का आनंद ले, पूरे देश के लोग इसका आनंद ले, इसके लिए पोस्ट ऑफिस सामने से पहल कर रही है किसानों को कि आप अपना आम हमें दीजिए और सिर्फ गंतव्य बताइए कहाँ पहुँचाना है, बाकी आप टेंशन फ्री हो जाइए। वलसाड के डाक विभाग द्वारा अब आम की सीजन में लोग आम का मजा भी उठा सकते हैं, उसका दाम भी कम देना होगा और घर बैठे आम की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं, या फिर यूँ कहिए कि अब आम खाएगा गुजरात। वलसाड से कौशिक जोशी की रिपोर्ट, गुजरात तक।